सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ माइनक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, अभी हम वापस माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ चुके हैं। तो सबसे पहले सो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है रात में माइनक्राफ्ट खेलना खतरे से खाली नहीं है गाइस। तो हम फटाफट से सो जाते हैं और सुबह उठ के हम चलते हैं हमारे कार के शोरूम में, जहाँ पे मैंने बहुत सारी कारें इंपोर्ट करके रख रखी है। जैसे देखिए नंबर के लिए एस पी जे, ये देखिए लैम्बोर्गिनी, जी सुबह से विच की आवाज़। और जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना शोरूम भी अपग्रेड कर लिया है और ये इतना बड़ा बना दिया है, ये देखिए यहाँ पर। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मेरे सामने एक घर है, यहाँ पे एक्चुअली एक नहीं, यहाँ पे दो दो घर हैं। और मेरे को ये पता नहीं है कि ये किसके घर है, और मैं अभी तक इधर गया भी नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज इन घरों का टूर करके आएंगे अपन। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं, अपनी सारी गाड़ियाँ अंदर रखवाते हैं और फिर चलते हैं एक मजेदार दुनिया में। तो सबसे पहले मैं ये वाली गाड़ी अंदर करूँगा और इसको टॉप फ्लोर पर। इसको पार्क कर दूं बस। ओ भाई ये क्या, मैं यहाँ से कैसे गिर गया? ओ शिट गाइस, मैंने बिल्डर को कहा था कि कोई भी मेरी गलती नहीं चाहिए, लेकिन वो बिल्डर है उसने कहाँ से छोड़ दिया। अब मैं कैसे सही करूंगा इसको, बाद में सही करवाऊंगा दो डायमंड लेकर। ओ गाइस, ये वाला जो शोरूम उस बिल्डर से बनवाया, ये टोटल मैंने 40 डायमंड्स का बनवाया है। तो आप सोच होंगे कि 40 डायमंड्स कहाँ से आएंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि थोड़े बहुत डायमंड्स मैंने माइन करके लाया हूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं नए वैली में शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पे उसके पास में बहुत बड़ी वैली है जहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स हैं, तो वहाँ से मैं ला सकता हूँ कभी भी जाकर। और अब शान साइज वाली गाड़ी की, और मैंने 4 लैम्बोर्गिनी जानी और 4 लैम्बोर्गिनी एस जे मंगवाई है। और ये अभी तक सबसे तेज़ गाड़ी है, कभी भी मोड़ते मोड़ते भिड़ जाती है, तो इसको बहुत ही केयर में चलाना पड़ता है। अगर कोई थोड़ी सी गलती होती है तो ये अपना जवाब दे देती है। और गाइस आज हम जाने वाले हैं एक टूर पे, जो कि हमारे पड़ोसी देश में, मतलब हमारे एक पड़ोसी गांव है, उधर जाकर हम वही टूर करके आएंगे। तो पहले मेरे को खाना खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम जाएंगे अपनी लैम्बोर्गिनी एस जे में। और गाइस जब से मैंने शोरूम खोला है तब से एक भी विलेज है गाड़ी खरीदने, मैं इतने दिनों से नहीं आया यहाँ पर। और गाइस हाथों हाथ उत्पाद बहुत कम हो रही है, अच्छे लगा लेते हैं। और हम चलते हैं अपनी बाकी सारी गाड़ियाँ रखाने। और ये देखिए गाड़ी यहाँ पर भी एक चीज़ खड़ी है, और आज हम लैम्बोर्गिनी वेनिस से जाएंगे, और यहाँ से चीज़ ले लेता हूँ गाड़ी की, और पेट्रोल वेट्रोल और पूरी रिपेयर करी है। तो गाइस आप एक रास्ता बताओ कि जिससे मेरे कहाँ घुस रही है भाई, गाइस पता ही नहीं बिच की आवाज़ कहाँ आ जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज टूर करने अपनी लैम्बोर्गिनी एस जे में जाएंगे और उसके भी लुत्फ उठाएंगे, बिल्कुल मस्त मज़े करेंगे आज। और ये की पकड़नी पड़ती है तभी वो गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर आप अपने इसमें वाली गाड़ी मंगवाओ तो प्लीज़ ध्यान से मंगाना, ये बहुत ही साफ कार है, ये एस जे से भी साफ है, तो ये हमें कुछ ही मंगवाई है, क्योंकि हमारे शोर में कस्टमर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और कोई आप उपाय बताओ कि आप हमारे शोर में कस्टमर कैसे आएँ, जो भी जो उपाय बताएगा मैं उसको फ्री में 40 डायमंड गिफ्ट करूँगा। मतलब ये देखो पानी में भी एक है गाड़ी, और भाऊ इतनी ख़तरनाक गाड़ी है। और थैंक्स यू पति भाई, गाड़ी गिफ्ट करी है। सॉरी गाइस, अभी मेरी बहन आ गई थी, वो गाना चलाते गाना सुन रही थी, लेकिन पता नहीं उसका हेडफोन लगवाया नहीं उसने, क्योंकि वो बिल्कुल से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए वो गाना बाहर आ गया। अगर आपको कोई इशू हुआ हो प्लीज़ रियली रियली सॉरी। तो चलो गाइस हम चलते हैं उस एडवेंचर पर। और मेरे को खबर मिली है, हमारे गुप्त करे ने कहा है कि इस विलेज के अंदर हमको गन्स नहीं मिल सकती है, ये इलीगल बिजनेस कर रहे हैं गन्स का। तो चलो गाइस हम फटाफट से चलते हैं इधर और ढूंढते हैं कि कौन कौन बंदा इलीगल करता है। पहले तो मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में आ जाता हूँ फटाफट से। जी हाँ दोस्तों, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं,
चलो गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी में यहीं पर रहने देते हैं और अब हम सब जगह चेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ कोई चीज़ खोली ना पड़ी है। इधर देखते हैं पर क्या देखिए तो सारे कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। गाइस ये देखो ये कौन है, निक फ्यूरी। देखिए गाइस अवेंजर का निक फ्यूरी, देखो सारे सारे भाग गए उसका अवेंजर के लिए। कहां गया निक फ्यूरी? ये रहा निक फ्यूरी। ये तेरे को नहीं पता कैसे बाकी अवेंजर कहां है? थैंक यू भाई, थैंक यू। पर अभी हम जो काम करने हैं हम कल रात में करेंगे। इस घर के अंदर देखते हैं, इस घर के अंदर क्या हो रहा है गाइस। अब हम जी हाँ दोस्तों, अब हम आयरन कॉलम से 1v1 फाइट करेंगे और कौन जीतेगा देखते हैं दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर एक विलेज को मारूंगा गाइस, वो आ गया है और वो मेरे पीछे खड़ा है। ओ गाइस ये रहा, मारना बच्ची मारना ये बेटा। गाइस देखो ये पता नहीं कौन सा पेंट लड़ा रहे हैं, मैं फटाफट जाके यहां पे गिनती लगाता हूं। मैं इस निक्यूरी के पीछे जाऊंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि अपने एवेंजर्स को बुला लिया पर इसने तो नहीं बुलाया। अब क्या करें दोस्तों? तो गाइस हम फटाफट से, गाइस देखो वहां पे आपको दिख रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख रहा है। फटाफट से आते हैं और हम हमारे घर से चलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आपको मैं अगली वीडियो में टूर करवाऊंगा और आज वाली वीडियो को बस एंड कर रहा हूँ यहीं पर। तो गाइस भूलना मत और देखते रहिए दी टेक आयरन गेम। और गाइस अगली वीडियो में एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज है कि मैं आपको इन दोनों घरों का टूर करवा रहा हूँ। तो अगली वाली वीडियो को देखना ना भूले और बने रहिए और हमारे साथ।